पीरियड का टाइम पर नहीं आना, महीनों महीने तक पीरियड का नहीं आना, पीरियड का रुक रुक कर नहीं आना। अगर आप भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ एक घरेलू उपाय शेयर करूँगी जो आपके पीरियड को जल्द से जल्द लाएगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले पीरियड जल्दी कैसे लाया जाए। देखिए, आज के टाइम पर काफ़ी सारी गर्ल्स परेशान है पीरियड टाइम पर नहीं आने के चक्कर में। दो दो तीन तीन महीने हो जाते हैं, डेढ़ महीना हो जाता है पीरियड नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है, बाहर जाना है, एग्जाम है, शादी है, लेकिन पीरियड टाइम पर नहीं आ रहा है। क्या करें मैम, प्लीज़ कुछ रेमेडी बताइए, कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे पीरियड जल्द से जल्द आ जाए। ऐसे कमेंट मुझे रोज़ देखने को मिलते हैं आपके, तो मैं रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियोज़ आपको शेयर करती रहती हूँ पीरियड जल्द से जल्द लाने के लिए। काफ़ी प्यार भी आप उन वीडियो को देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि जिन लड़कियों को प्रॉब्लम है इस टाइप की, उनको हेल्प मिल सके, अपने पीरियड को रेगुलर कर सके, टाइम पर ला सकें। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पीरियड को टाइम पर लाने के लिए हम क्या करें। एक होम रेमेडी आपको बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको लेने के बाद आपके पीरियड 100% आएंगे, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीरियड मिस क्यों होते हैं। देखिए, पीरियड मिस होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण है आपके हार्मोन्स का बैलेंस में नहीं होना। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहेंगे तो आपके पीरियड मिस होंगे ही होंगे, टाइम पर नहीं आएंगे, रेगुलर नहीं आएंगे। हार्मोन्स को बैलेंस में करने के लिए मैं काफ़ी सारी सिरप की वीडियो बनाती रहती हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं आपको कौन सी सिरप लेनी है। मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, पीरियड को रेगुलर करने के लिए सिरप्स की, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो कारण होता है यहाँ पर होता है कि वजन का बढ़ना और घटना। अगर आपका वजन तेज़ी से बढ़ रहा है या घट रहा है तो ये भी कारण है आपके पीरियड का मिस होने का, पीरियड को देरी से लाने का। ठीक है, तो वजन पर आप ध्यान दीजिए। आपका वजन अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, आपको लग रहा है ऐसा, तो पीरियड आपका मिस हो जाता है एक दो महीने, तो उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। तीसरा कारण है आपका खान पान। अगर आप सही तरीके से नहीं खाते हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं, खाने में आप कंजूसी करते हैं, कमी है आपकी बॉडी में खून की, आयरन की कमी है, तो पीरियड आपका टाइम पर नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। गाजर का, अनार का जूस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए ताकि आपका पीरियड टाइम टू टाइम आता रहे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जिसके कारण ऐसा हो जाता है, तो आपको घबराने वाली बात के बहुत काम आने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर जाइए, मुझे फॉलो करिए। सबसे पहले मुझे फॉलो करिए, उसके बाद मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सवाल आपका वीडियो से रिलेटेड ही होना चाहिए, तब मैं रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर मुझे फॉलो करिए और आपका जो भी सवाल करना चाहते हैं, आप मुझे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैं आपको ज़रूर यहाँ पर रिप्लाई करूँगी। चलिए हम जान लेते हैं कि रेमेडी को बनाना क्या है, ये कैसी रेमेडी है। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या लिया है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले यूज किया है गुड़ का। गुड़ आपको किसी भी शॉप पर, किराने की शॉप पर आराम से मिल जाता है। गुड़ जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा है इस रेमेडी के लिए। तो यहाँ पर आप गुड़ ले लीजिए, 2 चम्मच गुड़ में लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है। काली मिर्च का हमें 8 से 10 ही काली मिर्च हमें यूज करनी है। और 1 चम्मच अजवाइन मैंने यहाँ पर ली है। तो चलिए हम देखते हैं इसको बनाना कैसे। इन सब चीज़ों से मिलकर हम एक रेमेडी बनाने वाले हैं, ड्रिंक बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमें 1 गिलास पानी गरम करना है। ये देखिए, मैंने पतीले में 1 गिलास पानी चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। अब इसमें मैं 2 तेज़पत्ता डाल रही हूँ। तेज़पत्ता भी हम सबके घर में होता है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो आप डाल सकते हैं 2 तेज़पत्ता, ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अजवाइन भी इसके अंदर ऐड कर दी है। उबलते हुए पानी में हमें ये सारी चीज़ें डालनी है। और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं गुड़ जो हमने पीस कर रखा था। तो आप यहाँ पर इसके अंदर गुड़ मिला दीजिए और इसी के बाद हमें यहाँ पर डालनी है पीसी हुई 8-10 काली मिर्च का पाउडर। और इन सबको आपको अच्छे से उबालना है कम से कम 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से 2 मिनट के लिए, मतलब अच्छे से आप उबालिए जब तक कि पानी का कलर चेंज ना हो जाए और ये सारी चीज़ें अच्छे से पानी में मिक्स ना हो जाए। जब आपकी ये सारी चीज़ें पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी, पूरा पानी का कलर चेंज हो जाएगा और इस ये जो सारी चीज़ें हमने डाली है इनका फ्लेवर जब पानी में आ जाएगा, तब तक हमें इस पानी को अच्छे से उबालना है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब आपका 1 गिलास पानी 1/2 गिलास ना रह जाए तब तक आपको इस ड्रिंक को उबालना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल कलर चेंज हो गया है पानी का। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा और उबालकर और मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी और इसको थोड़ा सा हल्का सा हम ठंडा होने देंगे। ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, हमें इसको गरम गरम ही पीना है। तो आप इसको बंद करने के बाद 1 मिनट तक पतीले के अंदर ही छोड़ दें। उसके बाद आप इसको देख लीजिए, छान लीजिए जैसे मैं छान रही हूँ। इस तरीके से आपको इसको एक कप में या गिलास में अच्छे से छान लेना है।
छान कर ही आपको इसको पीना है ताकि आप अच्छे से पी पाएँ। तो यहाँ पर मैंने छान लिया है और ये देखिए हमारी ड्रिंक बनकर एकदम रेडी है। और इस ड्रिंक को आपको दो टाइम पीना है खाना खाने के बाद। एक बार आपको दिन में पीना है, मतलब आप ब्रेकफास्ट करने के बाद इसको पी सकते हैं। एक बार आपको नाइट को खाना खाने के बाद पीना है, आपका पीरियड जल्द से जल्द आ जाएगा, ये 100% गारंटी है। तो आप इस ड्रिंक को ज़रूर यूज़ करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।